मायावती ने जब अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ लिया एक्शन तो अखिलेश क्यों लेने लगे मायावती के फैसले पर मौज। मायावती के राजनीतिक फैसले से निकली वो 27 सीटें जिसके कारण अखिलेश ने मायावती को आकाश के बहाने खूब सुनाई खरी खोटी। उन 27 सीटों पर अखिलेश के साथ मायावती ने क्या किया जिसकी वजह से मायावती से अखिलेश नाराज। मायावती ने जब अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाते हुए अपरिपक्व करार दिया तो मायावती की ओर से लिया गया ये फैसला अपने आप में चौंकाने वाला रहा। हर कोई हैरानी से सोच रहा था। ऐसे वक्त में जब आकाश आनंद अपनी आक्रामकता से अपनी पार्टी बीएसपी में जान फूंक रहे थे तो मायावती ने फैसला क्यों लिया। अलग अलग तरह से मायावती के इस फैसले का विश्लेषण हो रहा है। कोई कह रहा है गाली देने के कारण ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दो कदम पीछे लेकर आई, तो कोई कह रहा है बीएसपी में एक बड़े वर्ग ने आकाश की लोकप्रियता को देखकर उन्हें किनारे करने के लिए कहा। अब बीएसपी प्रमुख मायावती खुद मोर्चा संभालेंगी, जितने मुंह उतनी बड़ी बातें। तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती के पर एक अलग ही तरह से राय रखी। अखिलेश ने जो बयान दिया उसमें कितनी सच्चाई है वो तो 4 जून को परिणाम को पता चलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान उन 27 सीटों पर मायावती के लिए फैसले से निकला है। इतनी आक्रामकता मायावती के लिए अखिलेश की प्रतिक्रिया में नहीं होती जितनी अब की बार है। दावा किया जा रहा है अखिलेश मायावती की ओर से 27 सीटों पर लिए रहस्यमय फैसले से नाराज हैं। अब मायावती ने उन 27 सीटों पर आखिर क्या फैसला लिया उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए अखिलेश ने आकाश आनंद को मायावती की ओर से अपरिपक्व कहने पर क्या कहा। अखिलेश ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया वो उनके पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा, लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सच तो यह है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से 27 लोकसभा सीटों को लेकर क्या रहस्यमय फैसला लिया गया जिससे अखिलेश नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। राज्य में अब चौथे चरण के अंतर्गत 13 अप्रैल को वोटिंग होगी। हालांकि तीसरे चरण की वोटिंग से पहले बीएसपी चीफ मायावती के कुछ फैसले काफी चर्चा में रहे। यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी के 14 उम्मीदवारों को बदलने की हो रही है। जौनपुर समेत कई सीटों पर बीते कुछ दिनों के अंदर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। दरअसल कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने के बाद यूपी में अब बीएसपी के प्रत्याशियों की वजह से सीधे इंडिया गठबंधन को नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की जगह अब जौनपुर से सांसद श्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। श्रीकला की वजह से पहले बीजेपी के राजपूत वोट में सेंध लग रही थी, लेकिन अब सपा के यादव वोट पर बीएसपी सेंध लगा सकती है। बार बार टिकट बदले जाने पर अखिलेश यादव ने 7 मई को कहा कि अब स्पष्ट हो गया कि बीएसपी पूरी तरह से बीजेपी की मदद कर रही। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि वो बीएसपी की साजिश को समझे और सपा का साथ दें। गौरतलब है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अभी तक 23 मुस्लिम और 4 यादवों को अपना प्रत्याशी बनाया। जौनपुर की तरह ही बीएसपी ने मैनपुरी में उम्मीदवार बदलकर शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया। अखिलेश यादव के सामने बीएसपी ने इमरान बिन जफर को उम्मीदवार बनाया। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के सामने मशहूद आलम को टिकट दिया। सलेमपुर में सपा और बीएसपी ने दोनों ने राजभर जाति से अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं बलिया सीट पर बीएसपी ने पूर्व सैनिक ललन सिंह यादव को उम्मीदवार बनाकर सपा के लिए चुनौती खड़ी कर दी। अभी तक देखा जाए तो बीएसपी सीधे तौर पर सपा के MY समीकरण में सेंध लगाती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने की संभावना है।